So, hey guys, so today we have with us a psychologist from Odisha who is working with educational department and a mental health organization. So, hi, welcome, Snigdha ma'am. Hi, is it audible? Yeah, hi. Hi, yeah, it's okay. Audible. So, ma'am, आपका background था, like कुछ teaching से भी आपका background रह चुका है. आप एक time पे teacher थे, right? जी. Yeah, so आपको क्या पसंद है? मैं आपको good morning ma'am बोलूँ या फिर Good morning, ma'am. Anything you like. मुझे सब पसंद है. या तो अभी आपको टीचिंग मतलब मैं फिजियोथेरेपिस्ट बच्चों को पढ़ाती थी. अभी अच्छा. अभी ओ हाँ तो फिर आप कभी स्कूल में तो नहीं ना पढ़ाए? नहीं नहीं. राइट नहीं हाँ तो फिर आपको कोई ऐसे नहीं मिस करता होगा. जी जी जी. हाँ तो बेसिकली पता है जब भी मैं किसी साइकोलॉजिस्ट के बारे में सोचता हूँ ना तो मतलब बहुत सारे स्टीरियोटाइप है जो मेरे मन में आता है. लाइक वो ना अपने हाथ में एक पेंडेंट लेके घूमते हैं और वो मुझे ऐसे दिखा सकते हैं एंड मुझे हिप्नोटाइज कर लेंगे. सो सीरियसली सारे साइकोलॉजिस्ट हिप्नोटाइज नहीं करते हैं. हाँ और अगर आप करते हो तो कितना टाइम लगता है एक बंदे नहीं मैं नहीं करती. वो बहुत ही ज्यादा मतलब सेंसिटिव चीज है. उसके लिए कोर्स करना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है. हर कोई नहीं कर सकता. वो लीगल मतलब इलीगल है वो. तो पहले ना मैं एक शो देखता था, ठीक है, वहां पे ना पुनर्जन्म करके कुछ एक शो था. वहां पे ना एक औरत रहती थी, वो किसी बंदे को कहीं से एक कंटेस्टेंट को लेके आते थे वो, एंड वो उसे एक ऐसे पेंडेंट दिखाती थी और बोलती थी तुम सो रहे हो, एंड वो बोलता था हाँ मैं सो रहा हूँ. फिर उसे बोलती तुम सो गए हो, और वो बोलता था हाँ मैं सो गया हूँ. अगर वो सो गया तो वो बोलता कैसे था कि मैं सो गया. एंड उसके बाद हाँ बोलिए. एंड उसके बाद क्या होता था कि वो बंदा अपने पास्ट लाइफ के बारे में हर चीज बताता था कि लाइक पास्ट लाइफ में वो था क्या. सो ये जस्ट मैं ओपिनियन पूछ रहा हूँ, ये क्या पॉसिबल है यस और नो में? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. राइट और पता है हमारे स्कूल में भी था कि हर थर्सडे को ना एक साइकोलॉजिस्ट आते थे, ठीक है, हमारे लाइक ऐसे हम लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए. तो उनका ऐसा सीन था ना कि वो लाइक कितने ही बार ना मुझे ऐसे देख के बोले हैं कि आई कैन सी द रियल फेस ऑफ यू, लाइक आई कैन जस्ट जज यू, या आई कैन जस्ट जज यू बाय योर एक्टिविटीज. सो आप लोगों के साथ ये होता है क्या कि आप लोग कभी भी लाइफ में किसी को ये नहीं बोल सकते कि लाइक स्टार्टिंग में तो सब चीज सही था, बट बाद में जाके मुझे उसका असली चेहरा पता चला? नहीं वो तो नहीं पता, वो नहीं बोल सकते क्योंकि पहले से ही हमको पता होता है असली चेहरा क्या है. राइट तो आते हैं हम ना आज के ना मेन टॉपिक पे. ओके तो नार्सिसिज्म के ऊपर, ठीक है. तो क्या हुआ ना, मैं अपना आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ. तो बेसिकली एक दिन हम ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में ना बंदे चैट कर रहे थे. तो उस टाइम क्या हुआ कि एक बंदे ने ना लाइक सब ग्रुप में लाइक ऐसे झगड़ा कर रहे थे, तो एक बंदे ने एक बंदे को बोला कि नार्सिसिस्ट लिखा उसने ग्रुप में, और मुझे लगा कि उसने मुझे नार्सिसिस्ट बोला एंड मैं चैट लीव कर दिया क्योंकि मुझे उसका मीनिंग नहीं पता था. मैंने गूगल किया, सबसे पहले टॉप पे दिखा रहा कि लाइक वो कुछ इस टाइप के लोग होते हैं जो अपने आप को कुछ ज्यादा ही सुपीरियर समझते हैं, बाकियों को इन्फीरियर समझते हैं. एंड आई वॉज लाइक नहीं 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 मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ, मैं नार्सिसिस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ. फिर मैं वहां से निकल गया गूगल से, बट मेरे मन में ना वो बेचैनी थी. मैं फिर से गया, फिर से मैं सर्च किया, फिर से दिखा रहा, अभी कुछ और नए फैक्ट्स पढ़ा. उसमें बोल रहा कि लाइक ऐसे बंदे होते हैं ना जिन्होंने लाइफ में कुछ नहीं किया होता है बट उन्हें बहुत लगता है उन्होंने बहुत कुछ कर रखा बहुत है कुछ. I was like, नहीं, 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 मैं नार्सिसिस्ट नहीं हूँ. एंड ऊपर से वो जिस बंदे ने बोला था वो मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड था, तो लाइक मेरे मन में ये था कि ये बंदा कितने सालों से बोलना मुझे चाह रहा होगा कि मैं एक नार्सिसिस्ट हूँ और ये बोल नहीं पा रहा होगा और आज इस झगड़े में बोला है. तो लाइक मैं बहुत ज्यादा लाइक इस बात से लाइक सीरियस हो गया कि मैं नार्सिसिस्ट नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ. फिर रात के 2 बजे भी मुझे चैन नहीं था, मैं उठा, फिर से मैं पूरा एक ब्लॉग खोल के पढ़ रहा हूँ एंड पूरा मैं ब्लॉग पे एक एक चीज पढ़ रहा हूँ एंड लाइक मैं खुद से बोल रहा हूँ कि मैं नार्सिसिस्ट नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ. फिर मैं गया फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पे और वहां पे लिखा हुआ था एक नार्सिसिस्ट कभी ये नहीं मानता है कि वो नार्सिसिस्ट है. आई वाज लाइक नहीं, मैं नार्सिसिस्ट हो सकता हूँ, मैं नार्सिसिस्ट हो सकता हूँ, ऑब्वियसली मैं हो सकता हूँ. एंड उसके बाद मैं फिर कुछ थोड़ा आगे गया तो वहां पे कॉजेस थे, ठीक है, तो कॉजेस में पढ़ रहा हूँ तो उसमें था कि लाइक पेरेंटिंग भी एक रीजन होता है. आई वॉज लाइक पहली बात तो मैं नार्सिसिस्ट नहीं हूँ, और अगर मैं हूँ
तो ये मेरे मम्मी पापा की वजह से, लाइक सबके मम्मी पापा बच्चों को क्या क्या बना देते हैं, मेरे मम्मी पापा मुझे नार्सिसिस्ट बना दिए, मैं ब्लेम कर रहा हूँ उन्हें, ब्लेम कर रहा हूँ। एंड फिर मैंने पढ़ा सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, उसमें था कि नार्सिसिस्ट ना हमेशा अपनी चीजों के लिए ना दूसरों को ब्लेम कर देते हैं। And I was like, what? Like, नहीं, मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, मे बी मैं नार्सिसिस्ट हूँ, बट इसका रीजन मेरे मम्मी पापा नहीं है, वो हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते, मैं ब्लेम नहीं कर रहा। एंड उसके बाद थर्ड मैंने पढ़ा कि वो ना बहुत ज्यादा एडमिरे, मतलब चाहते कि लोग उन्हें ना बहुत ज्यादा उनकी तारीफ करें, सो हाँ या और वो ना उसे सो ऑफ करना जानते हैं। तो आई वाज लाइक, नहीं मैं सो ऑफ तो वैसे करता नहीं, बट हाँ बे मतलब का कोई अगर मुझसे मेरा नाम पूछता है ना तो मैं ऐड कर देता हूँ कि यू नो आई एम अ कॉमेडियन। तो ये सब लेके ना लाइक बहुत ज्यादा मैं कौन सा उस रात लाइक बहुत अजीब मेरे साथ गुजरा। एंड फिर मैंने फिर जब चैट में जाके सही से चेक किया, देन मुझे पता चला कि ये जो था ना पूरा उस बंदे ने किसी और को बोला था, और जिस बंदे ने बोला था उसे भी सही से नार्सिसिज्म का लाइक मतलब नहीं पता था, उसने मतलब बस इस सेंस में बोला था कि सेल्फ कंट्रोल या फिर वो अपनी चलवाना चाहता, बस इस सेंस में बोला था। तो आज हम लोग ना ऐसे टॉपिक पे लाइक डेप्थ में आपसे बात करने वाले, ठीक है? तो फर्स्ट थिंग आप ये बताना कि लाइक बेसिकली नार्सिसिज्म का लाइक होता क्या है। एक्चुअली नार्सिसिज्म है एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, जो कि मतलब इसमें कैरेक्टराइज्ड होते हैं जैसे कि सेंस ऑफ ग्रैंडियोसिटी, मतलब जैसे आपने बोला कि एक अनरियलिस्टिक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी होता है, दूसरों को इन्फीरियर समझते हैं, खुद को बहुत ज्यादा सुपीरियर समझते हैं, एंड ए टोटली लैक ऑफ एम्पैथी, उनका मतलब दूसरों के प्रति जो एम्पैथी होता है वो बिल्कुल नहीं होता, वो सिर्फ खुद में मतलब एंगेज रहते हैं। और जैसे कि एक होता है नीड फॉर अटेंशन, एडमायरेशन बहुत ज्यादा होता है, सबका होता है ये अटेंशन, सबको सबके लिए होता है, लेकिन उनके लिए बहुत ही ज्यादा होता है, मतलब हर वक्त उनको यही सब चीज चाहिए। तो ये सब मतलब जैसे कि आप समझते हो कि एक पर्सनल यूनिकनेस में, मतलब वो ये पर्सनली वो इतना एंगेज रहते हैं अपने आप में ही कि दूसरों वो दूसरों की इमोशंस को, दूसरों की फीलिंग्स को कदर ही नहीं करते, दे डू नॉट इवन केयर अबाउट व्हाट अदर थिंग, व्हाट अदर पीपल फील लाइक, तो वो बिल्कुल भी केयर नहीं करते। कजेस जैसे आपने बोला कि हाँ ये होता है, एनवायरमेंटल कजेस होता है, जैसे कि पेरेंटिंग एक बहुत बड़ा कज है इसके लिए, जैसे एक्सेसिव प्रेज फॉर गुड बिहेवियर एंड एक्सेसिव क्रिटिसिज्म फॉर बैड बिहेवियर, जो कि दोनों ही बहुत ज्यादा गलत होते हैं। सीवियर इमोशनल एब्यूज रहता है चाइल्डहुड में, एंड जैसे कि एक ओवर वैल्यूएशन होता है पेरेंट्स के, पेरेंट्स जो करते हैं ओवर वैल्यूएशन होता है, मतलब बच्चे का जैसे जैसे रहता है उसका वैल्यू जैसे रहता है वो बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूएशन कर देते हैं। देन मैनिपुलेशन रहता है पेरेंट्स के हिसाब, मतलब पेरेंट्स जो मैनिपुलेट करते हैं वो भी बहुत इफेक्ट करता है, और जैसे जेनेटिकली भी इफेक्ट होता है, जो अगर फैमिली में कोई है ऐसे तो देर आर सो चांसेस कि नेक्स्ट जो जनरेशन है उनमें भी नार्सिसिस्ट पैदा हो सकते हैं, लेकिन ये इतना मतलब द कजेस आर अननोन, स्टिल अननोन, बट हम लोग ये डिफाइन करते हैं कि ये मतलब कज हो सकता है। तो और एक चीज है कि हाँ बोलिए। सो बेसिकली अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं तो ये क्या डेंजरस प्रूव हो सकता है? हाँ जी, हो सकता है, क्योंकि वो लोग बिल्कुल भी आपके लिए कदर नहीं करेंगे, आप क्या सोचते हो, आपका फीलिंग्स क्या है, इमोशनली अब्यूज करते हैं, फिजिकली अब्यूज करते हैं, तो आपको इमोशनली ड्रेंड कर देंगे ये लोग, क्योंकि दूसरों आप जिसके साथ रहते हो, जैसे आपने बोला कि मैं अपने मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं, तो आप सोचते हो उनके बारे में, ये लोग अपने सिवा दूसरों के बारे में नहीं सोचते, ये सिर्फ अपने आप में एंगेज रहते हैं, सिर्फ अपने आप में। ओके, सो बेसिकली ये क्या, या सो ये क्या क्यूरेबल है, लाइक एक डिसऑर्डर है, सो बेसिकली ये क्यूरेबल है कि नहीं? इट कैन बी डिफिकल्ट, बट थेरेपी कैन हेल्प, जैसे कि साइकोथेरेपी रहता है, टॉक थेरेपी रहता है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी रहता है, और ये जैसे कि नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी एक डिसऑर्डर है, इसके साथ कुछ अलग से डिसऑर्डर भी जुड़े, मतलब टाइम बिंग ये जुड़े रहते हैं, जैसे कि सब्सटेंस अब्यूज, वो लोग अल्कोहल या ड्रग अब्यूज करते हैं,
और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं. अगर डिप्रेशन का शिकार होते हैं फिर एंटी डिप्रेशन इनको देना पड़ता है, फिर एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स देना पड़ता है. तो लेकिन एक चीज है, ये टोटली ट्रीटमेंट मतलब टोटली क्यूरेबल नहीं है, राइट, क्योंकि खुद ही एक्सेप्ट नहीं करते. तो बेसिकली पता है क्या है कि मैं उस रात ना कुछ वीडियोस भी देख रहा था कि अगर मैं क्या करूं, अगर मैं नार्सिसिस्ट हूं तो मैं क्या करूं. तो राइट, उसमें बहुत सारे कुछ एडवाइसेस थे. एक मैंने पढ़ा कि दूसरों के लिए केयर करना स्टार्ट करो. तो इसलिए मैं पूरा दिन सोचा मैंने किसको किसको हर्ट किया है. फिर एक बंदा है ना जिसको मैंने ऐसे कुछ किया था, तो रात के 3 बजे मैं उसे मैसेज किया, सॉरी भाई. एंड ऑल्सो मुझे ये पूछना था लाइक अगर कोई बंदा नार्सिसिस्ट है जिसे लग रहा कि वो नार्सिसिस्ट है, तो लाइक वो खुद अगर नहीं होना चाहता है तो वो क्या कर सकता है उसके लिए. पहली बात तो ये है जो कि नार्सिस्ट मतलब खुद को ही ये नहीं मानते कि वो है, नार्सिसिस्ट है. तो पहली बात तो एक तो है कि आप नहीं हो, क्योंकि अगर आप होते तो आप मानते नहीं. आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तो वो एक्सेप्ट नहीं करते कि मैं वो हूँ. वो पर्सनैलिटी डिजॉर्डर मुझ में है, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते. तो अगर एक्सेप्ट अगर कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा तो फिर चेंज क्यों होगा वो? अगर मुझ में कोई, मैं समझती हूँ मुझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर मैं चेंज क्यों हूँ? मैं एकदम ठीक हूँ. या ये समझ रहे हो आप? तो वो लोग नहीं मानते कि वो है. ओके, सो थैंक यू लाइक आप आए पॉडकास्ट पे. थैंक्स अ लॉट एंड इट वाज अ गुड टाइम. Thank you once again. Thank you, thank you, thank you, Saurabh. Thank you. Yeah. Bye. Bye.